लद्दाख एक्सप्रेस चैनल मोहम्मद मुसा लद्दाख रामा रिलर्स काउंसिल कारगिल गुबा डॉक्टर जफार अखोन इस दरिंग कारवाने करगिली फ्लैग ऑफ बसीन गावन पोलिटिकल सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ईयर कोस्किन युतिन यंतार तख्स पर यो सोनम माचुगी कोई त्यानुक गावा रोस बस यो तंग ले एपेक्स बॉडी छोसना जचीगी मिंगना पदयात्रा यानी कांडुली का दिल्ली सकपा योचा सिना लद्दाख क्या दिल्ली सकपा दरे हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ ला यू ओन तीन कारवाने करगिल चंडीगढ़ ला थुकचाजिना या चंडीगढ़ ला थुक से कारवान पने यंबो चिकडिल बसे दिक्का कारवान काफिले अनुक डेसे अक्टूबर ही निसला गांधी जयंती जगह दिल्ली अलिपचा जुतीन यंतार तख्सपयोत लद्दाखी तुंगो जबियो जरे लद्दाख फुल फ्लाई स्टेटहुड सिक्स शेड्यूल लोकसो पार्लियामेंट्री सीट दनान सुखला अनएम्प्लॉयमेंट मंगपो सेंट्रल गवर्नमेंट निकना सुखम पूरा बार को सुख जरे जुआ फुलनतीन यंग प्रोटेस्ट शकल अनुक पदयात्रा डुलनतीन आजाद हिंदुस्तान आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा। अस्सलामु अलैकुम लोनाना चौसला देचिगांग कारवाने बाबुल हवाइज हजरत अब्बास अलैहिस्सलामी चौसना जियारतला खर्चा इंसुक जायरीनुनी रहनुमाई मीना हुज्जत इस्लामुल मुस्लिमीन सैयद मोहम्मद उम्बा कारवानियां खालिन जसिन यंग जायरीनुनला रियाला जनसिर दुखसिर दोना छांग रलसिर जसिन जियारतला खेबी छेस्पो दसुम्बरी लजुगी हफ्ताओ इंसुक ज्यारतला ईरान इराक दोना शामयंग चर्चा जिनसुक गा सूचिक ज्यारतला छोक सामना दी नंबरोनिका थुक बजाद 600536030375 यंग 600652094। जैसा कि आप सभी जानते हैं लद्दाख करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी की तरफ से ये जो चार पॉइंट एजेंडे को लेके स्टेटहुड फॉर लद्दाख सिक्स शेड्यूल फॉर लद्दाख सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट फॉर लद्दाख PSC एंड रिक्रूटमेंट फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ लद्दाख इन चार डिमांड्स को लेकर पिछले चार सालों से हमारी एजिटेशंस चल रही हैं और उसी एजिटेशंस के सिलसिले में ये एक नई पड़ाव है जहां लेह से एपेक्स बॉडी के क़यादत में और सनम वाचू की क़यादत में पदयात्रा निकली है उसी को सपोर्ट करते हुए आज करगिल से 12 नफर की एक टीम सज्जाद हुसैन करगिली और सज्जाद खान की क़यादत में 12 नफर कमेटी यहां से निकलेगी सीधा ये टीम चंडीगढ़ में पदयात्रा जो वहां पे हमारी चल रही है एपेक्स की क़यादत में उनको ज्वाइन करेंगे और वहां से टुवर्ड्स दिल्ली मार्च करेगी। इसके बाद परसों 28 तारीख को तकरीबन हमारी एक कारवान चलेगी जिसमें 50 से ज़्यादा गाड़ियां होंगे 150 से 200 नफर होंगे और ये यहां से सिन्नर से जम्मू से सीधा सिंगू बॉर्डर जाएगी जहाँ पद यात्रा को ये लोग ज्वाइन करेंगे और वहाँ से फिर दिल्ली की तरफ चलेंगे। लास्ट में हमारा जंतर मंतर पे अपने 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर जिसमें से सरफहरिस्त स्टेटहुड फॉर लद्दाख है सिक्स शेड्यूल फॉर लद्दाख है सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट फॉर लद्दाख है पीएससी और रिक्रूटमेंट फॉर लद्दाखी यूथ से इन चार एजेंडे को लेकर फिर एक बार हम दिल्ली जा रहे हैं ताकि दिल्ली को ये बता सके कि लद्दाखी अपनी इन चारों डिमांड्स को जब तक पूरा नहीं होती है तब तक खामोश बैठने वाली नहीं है। इसीलिए अब ये कारवां यहाँ से आज शुरू हो रही है। सर सोनम वाचू की क़यादत में एक महीने के टाइम के हिसाब से ये पद यात्रा चल रहा है और अब के लिए लास्ट मोमेंट पर जा रहे हैं। लोगों की कंसर्न हर वक्त ये रहता है कि के लिए
लास्ट पे जाते हैं, तो किस तरह की क्लेरिफिकेशन आप करना चाहेंगे? इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, हमारी जो एपेक्स बॉडी के साथ अंडरस्टैंडिंग थी उसी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमने डे फर्स्ट में इनके जो पदयात्रा है उसको सपोर्ट की है, और इसके बाद इन्होंने ही वहाँ से कहा हमारे कन्वीनर को कि आपका टीम पंजाब में हमें ज्वाइन करे, वहाँ से पदयात्रा पे चले, तो हमारी टीम पंजाब में ज्वाइन कर रही है और इसके बाद इससे भी लार्जर टीम हमारी दिल्ली सिंगू बॉर्डर पे ज्वाइन करेगी और यहाँ से चलेगी। जो भी हमारी मीटिंग्स हुई है, कोर कमेटी की मीटिंग्स हो या एपेक्स केडीए की मीटिंग्स हो, हम अपने मीटिंग्स के हिसाब से ही डिसीजन लेते हैं और मीटिंग्स के हिसाब से ही, चाहे आपका अनशन की डिसीजंस हो, चाहे पदयात्रा के डिसीजंस हो, ये कोर कमेटी का जो केडी और एपेक्स बॉडी का उसी डिसीजंस के हिसाब से हम चलते हैं। किसी के अलग अलग बातों के डायरेक्शंस पे, इनके इंस्ट्रक्शंस पे हम नहीं चलते हैं। हमारा कोर कमेटी है जो एपेक्स और केडीए का, उसी डायरेक्शंस पे हम चलते हैं और नहीं कभी हम पीछे बैठते हैं, नहीं कभी हम आगे जाते हैं।